हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपको दिखाएंगे, ये बस है और इसकी बॉडी बनने वाली है। ये हमारे सर्विस सेंटर पे गाड़ी वॉश होने के लिए आया है। ये जो बस है, इसकी बॉडी जब लंगा होता है, जब ये खुलता है, तभी इसकी वॉशिंग हो पाती है अंदर में। ये देखिए भाई, ये किस तरह से मतलब कि पूरी बॉडी को खोल दिया गया है। ये अंदर में बहुत ज़्यादा जो है कीचड़ गंदगी बैठ गई। ये देखिए हमारे छोटू जो है साफ कर रहे हैं इसको। ये देखिए, ये बॉडी जब इसकी एंगल चैनल लोहा जो सड़ जाता है, तो इसके बाद में इस बॉडी को खोल करके बनाया जाता है, फिर से ये नया जैसा हो जाएगा। आपको दिखाते हैं गाड़ी वॉशिंग होने के बाद में इसका काम होगा। ये देखिए दोस्तों, ये सब जो है अंदर का हिस्सा, ये धुलाई नहीं हो पाता है, इसके कारण में जो है लोहा जो है सड़ जाता है। देखिए ये किस तरह से सड़ा हुआ है। ये जो है ये नया मतलब बनेगा, इस बॉडी को पूरा खोल दिया गया है। ये गाड़ी का ड्राइवर साहब है। ये देखिए, ये मिनी बस है, छोटा बस है, सिटी राइड कहते हैं इसको हम लोग। ये देखिए, ये कितना कीचड़ बैठा हुआ है इसमें, गंदगी। ये जब से गाड़ी आया है, दो चार पाँच सालों में ये मतलब धुलाया नहीं अंदर का। बाहर बाहर तो ड्राइवर खलासी जो भी होते हैं, क्लीनर, उसको सफाई करते हैं, लेकिन अंदर से नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बंद रहता है चारों तरफ। ये देखिए, जो भी है गंदगी, ये निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके सीट वीट जितने हैं सब खुल चुके हैं। ये देखिए, ये बस का मामला ऐसा है कि जब भी ये वॉशिंग होगा, धुलाई होगा, ये खुलने के बाद ही धुलाई होता है अंदर में, ऐसा धुलाई नहीं हो पाएगा। देखिए एंगल चैनल जो भी है सब सड़ जाता है बरसात की वजह से, पानी की वजह से। इसके सब पूरी बॉडी का जो है काम होगा। ये देखिए कैसे सड़ गया है। डीजल टंकी है, पता ही नहीं लग रहा है कि डीजल टंकी है क्या है। चलिए चलिए काम में लगिए। ये डिक्की है जो सामान रखा जाता है, लगेज। ये देखिए, देखिए दोस्तों, इसमें छोटी टायर होती है, जो कि पूरा भी। ये हमारा बिहार शेरघाटी, शेरघाटी से गया चलने वाली बस है। ये देखिए हमारे सर्विस सेंटर पर आया हुआ है। और ये हमारे जुबैर भाई, अभी इनको ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ठंडा का टाइम है। चलिए ठीक है, सही मिल बात पर काम करते रहिए। देखिए ये बाहर का हिस्सा का धुलाई हो रहा है, पहले आपको दिखाया था अंदर का, अंदर का क्लीन हो गया। आपको बताते हैं, ये देखिए डीजल टंकी तो आप देख रहे थे, डीजल टंकी का पता नहीं चल रहा था, लेकिन देखिए ये कैसा हो गया क्लीन। अभी इस पर शैम्पू लगेगा, अभी सड़क से धुलाई होगा।
देखिए कितना गंदा बैठा हुआ। ये देखिए इंजन इसकी, देखिए कितना क्लीन हो गया है। ये देखिए मेरा छोटू है, वो काम कर रहा है। वो देखने का छोटू है लेकिन उम्र में बहुत बड़ा है। देखिए इससे पहले आपका जेसीबी चलाया था। ये हमारे गाड़ी हमारी जगह से जो है सारी गाड़ी का वॉशिंग होता है। आपको दिखाते हैं तरह तरह की गाड़ी के कैसे धुलाई होता है। दोस्तों हमें सपोर्ट करें कि इसी तरह से वीडियो आपके बनाते रहें। और आपको काम बताते हैं कि किस तरह से काम किया जाता है। देखिए दोस्तों इसका इंजन जो है कितना मोबाइल बैठ जाता है इसमें। ये देखिए ये पूरा ढका हुआ होता है कवर से, तो लोग इससे ध्यान नहीं देते। देखिए किस तरह से काला पड़ा हुआ है। देखिए इसके प्रेशर के द्वारा निकाला जा रहा है गंदगी को। ये देखिए स्टीयरिंग बॉक्स पे ये देखिए हमारे पड़ोसी है, इनका नाम है नेताजी। और ये हमेशा हमारे काम में डिस्टर्ब करते हैं लेकिन भाई हैं, बर्दाश्त करना पड़ता है। ये हमारे स्टाफ है, इनको हमेशा बहकाते रहते हैं। ये जब भी काम करते हैं ये हमेशा आकर के बहकाते हैं। और देखिए अभी भी काम छुड़वा करके ये मतलब किनारे खड़ा करके रखे हैं। यहाँ काम पड़ा हुआ है, ये बात कर रहे हैं इधर। नाम बताएं, ये थोड़ा सा मदद कर दो जुबैर भाई का, थोड़ा सा गाड़ी में हाथ लगा दो। ये नाम के नेताजी हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं। इनका सीट का कवर का काम है, ये बस में जो सीट लगेगी ये इन्हीं का काम है, यही लगाएंगे। ये हमजापुर में है मोल्ला चक। ये देखिए इनकी दुकान है। नेताजी इसका सीट का जो कवर है इसको भरपूर एकदम मज़ेदार बनाइएगा, है ना? ठीक है। देखिए ये सरफ और किरासन तेल से चेचिस को रगड़ा जा रहा है। देखिए दोस्तों कितना क्लीन लग रहा है। ये मेहनत का काम तो है क्योंकि ये काफ़ी दिनों के बाद बस जो है ये लोग वॉशिंग नहीं कराते हैं। ये गाड़ी जब से आई है नया चेचिस तब से इस तरह से वॉशिंग नहीं हुआ। ये बाहर बाहर से बॉडी धुलाई होता है। देखिए दोस्तों इसके ऊपर जब पानी डलेगा तो ये क्लीन हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये राइट साइड का है। ये देखिए ड्राइवर क्लासी जो भी है ये अंदर से नहीं धो पाते हैं क्योंकि इसमें जगह नहीं होती। ये पूरी बॉडी जो है ढकी रहती है यहाँ तक, तो अंदर का वॉशिंग नहीं हो पाता है। ये अब बॉडी जो है इसकी खुल करके बन रहा है तो ये मतलब वॉशिंग हो रहा है। देखिए ये किस तरह से सड़ गया है। ये देखिए अब इसकी नई बॉडी बनेगी। ये खूटा है देखिए, ये देखिए ये सारे के सारे टूट गए हैं। ये बहुत पुराना हो चुका है। ये देखिए ये राम भरोसे गाड़ी चल रही थी समझिए। ये देखिए कैसे सड़ गया इसका। अब इसकी बॉडी बनेगी तो ये फिर से नया हो जाएगा गाड़ी। ये देखिए
के दोस्तों ये गाड़ी कंप्लीट हो चुका है, अब ये निकल रहा है, जा रहा है। देखिए इसकी बॉडी गैरेज में जा रहा है बॉडी बनने के लिए। देखिए कैसा क्लीन हो गया है। ठीक है, चलो इसके काम कंप्लीट। देखिए आगे से भी कितना क्लीन हो गया है। चलो दोस्तों अब दूसरी गाड़ी लगाएंगे।